जरा तुम कल एक अगवा हुई लड़की नापे के हवाले किया जी, थोड़ी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने भाल करके मापे के मतलब हवाले किया गया जी। लड़की विक्की कौर जी माता जसविंदर कौर वालों मुकदमा नंबर 60 मिति 9/11/23 अंडर सैक्शन 363 366 IPC थाना टल्लेवाल दर्ज डिस्ट्रिक्ट रह गया जी। असी उदों तो ही विक्की कौर की भाल के काफ़ी थावान से तलाश की, चंडीगढ़ तक भी असी संपर्क किया, राजस्थान भी रेड से गए, इधर लोकल सूँ जिते भदौड़ मिलते थे काफ़ी व्यक्ति असी शक्की जो लड़के से उन्होंने बुला के भी पेशकश की। इस अलावा साड़ी टीम थी जगदेव सिंह ASI, गुरपिंदर सिंह ड्राइवर वगैरह, तो पूल मरानी, तो गुरप्रीत सिंह सिपाही से, इन्हों की काफ़ी मेहनत नाल असी इन्हों मतलब 20 दिन के गिरफ्तार कर लिया। तो इस तो बाद असी अदालत में पेश करवाता, फिर साड़ी टीम ने इन्हों पिंड भोजना तो गिरफ्तार करता। तो मौके पर असी लेडी सब इंस्पैक्टर रेनू वाला मौका पर बुला के कार्रवाई आरंभ की, तो इन्हों फिर उस तो बाद थाने लिया के गिरफ्तारी पा के तो पीड़ित लड़की जज साहब से पेश किया। दोषी को बरनाला जेल बंद कराया गया, तो तफ्तीश अजे जारी है, जो भी होर तत्थ सामने आने के मुताबिक अभी कार्रवाई करा। लड़की मौके पर हवाले किया गया जी, लड़की जज साहब के हुक्म उन्होंने माता पिता को भेजे गए। एक सर हम की कहना चाहोंगे जिम्मे कि पुलिस प्रशासन के अक्सर दोष लगते रहते हैं जी कि पुलिस प्रशासन अपनी जगह पर काम नहीं कर रही, बेशक पुलिस प्रशासन का अपना बहुत जदोजहद जोर लगे होगा, की कहना चाहोगे जी? जिहड़ा लड़की के परिवार वालों सानू कोई सहयोग नहीं दिता गया, उल्टा साढ़े ते इल्जाम ही लाते रहे भी मेहनत नहीं कर रहे, पर असी हर पक्षों यदि मेहनत करिए, मेहनत करके असी काबू किए जी। तो काफ़ी असी मतलब शक्की व्यक्तियों को पूछगिछ की है, पर धरना लगाते हैं किसी भी पुलिस से दबाव पा के चाहते थे भी हो गई, पर अभी बिना किसी दबाव तो सही तफ्तीश सही ढंग की है, असं किसी दबाव हेठ नहीं किया। इस तो अलावा जी हैगी जसविंदर कौर, इन्हें 3 लड़के होर लिखाए थे, उन्होंने भी तथ्य के आधार से अभी पड़ताल करी थी, उन्होंने उन्होंने तो किसी का कसूर नहीं होना पाया गया, उन्होंने असं पूछगिछ करके फारिग करता से। तो जो पुलिस ने सही तफ्तीश ढंग ने की है, किसी के खिलाफ दबाव वगैरह नहीं है, जो सही कार्रवाई तफ्तीश की जो बनती है।